वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड बहुत सारी सट्टाबाजी की कंपनियां इंडिया में बैकडोर एंट्री लेते हुए अपना बिजनेस चलाती हैं। अगर हम ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो इनका जो टोटल मार्केट है वो 11.85 लाख करोड़ रुपीज है। अब ये अमाउंट कितना बड़ा है ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप समझ लो कि इंडिया का जो टोटल बजट है उसमें से डिफेंस सेक्टर के लिए इंडिया 4.7 लाख करोड़ बजट करता है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके लिए 2.2 लाख करोड़ बजट करता है। अब आप समझ लो ये दो सेक्टर मिला के 6 लाख करोड़ इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया में जो सट्टाबाजी का मार्केट है वो अकेला 11.85 लाख करोड़ का है, जिसमें से कि क्रिकेट जो है वो 80% कंट्रीब्यूट करता है इस सट्टाबाजी के मार्केट में। आगे बढ़ने से पहले पांडा जी का उल्टा चश्मा को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर आज आप इस वीडियो से कुछ भी नया सीखते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो फिर ऐसा क्यों है कि गैम्बलिंग एक इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी इंडिया में ये लीगल नहीं है, जबकि ये गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स जनरेट करके दे सकता है। चलिए जानते हैं, गैम्बलिंग जो कि बहुत सारे कंट्रीज डेवलप्ड नेशन जैसे कि यूएस यूके ये सब में लीगल है, जहां पे स्पोर्ट्स के ऊपर सट्टाबाजी चलती है, लेकिन इंडिया में ये लीगल नहीं है क्योंकि ब्रिटिश जमाने में ईयर 1867 में एक एक्ट बना था जिसका कि नाम है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, जिसके तहत किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है और इसे करना कानूनन जुर्म है। तो फिर अब आप बोलोगे लेकिन आप तो ड्रीम इलेवन और ऐसे बहुत सारे फैंटेसी गेम्स जो है इंडिया में चलते हुए देखते हो, तो फिर ये अलाउड कैसे है और ये लीगल कैसे है? तो फिर मैं आपको यहाँ बता दूं एक एग्जांपल देके, जो कि एक केस है जो फाइल हुआ था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस सत्यनारायणा, जो कि 1969 का एक केस है, जिसमें कि कोर्ट ने ये ऑर्डर देते हुए कहा था कि जो रमी का गेम है वो एक गेम ऑफ स्किल है इसलिए वो लीगल है, लेकिन जो फ्लश का गेम है वो एक गेम ऑफ चांस है जिसमें कि लक इन्वॉल्व है इसलिए वो लीगल नहीं है। तो फिर चलिए मैं बताता हूं कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। गेम ऑफ चांस जो है कोई भी ऐसा गेम है जहां पे कि उस गेम को जीतने के लिए खेलने के लिए लक की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर आप मान लो कोई कार्ड गेम जैसे कि फ्लश की हमने ऑलरेडी एग्जांपल दी जो कि कोर्ट ने भी कहा है, ठीक है, या फिर आप कह लो कोई भी कैसीनो में जैसे कि कुछ भी गेम खेले जाते हैं जिसमें कोई लक इन्वॉल्व हो ऐसे को गेम ऑफ चांस कहा जाता है। लेकिन गेम ऑफ स्किल जैसे कि क्रिकेट खेलना फुटबॉल खेलना ये सब गेम ऑफ स्किल है, अगर आप सालों साल मेहनत करके अपने स्किल्स को बढ़ाते हो तो जो जितना ज्यादा एफिशिएंट है जितना ज्यादा स्किलफुल है उसके जीतने के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं वो ही जीतता है। अब आप गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल समझ चुके हो, लेकिन इस वीडियो को हम इस टाइम पे क्यों बना रहे हैं, इसका मेन मोटिव ये है कि ये बताना कि ये जो बेटिंग है इंडिया में 1867 से तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे क्रिकेट मैचेस के दौरान बहुत सारे बेटिंग के जो एप्स है उनके एड्स आने शुरू हो गए थे मैच के टाइम, आप देख सकते होगे स्क्रीन के ऊपर नीचे दायां बायां बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इन्हें प्रमोट कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन एड्स के ऊपर भी बैन लगा दिया है। तो फिर रिसेंटली livemint.com ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था पेरी मैच के सीईओ के साथ। पेरी मैच एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है। पेरी मैच के सीईओ का ये कहना था कि इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग को इसलिए लीगलाइज कर देना चाहिए क्योंकि इंडिया में बेटिंग लीगल ना होते हुए भी बहुत सारे लोग हर जगह इलीगल तरीका से भी बेटिंग करते हैं, जिससे कि लोगों में डेंजर तो ऑलरेडी बना रहता है लेकिन गवर्नमेंट भी वो टैक्स को कलेक्ट नहीं कर पाती है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि रिसेंटली जैसे बहुत सारे स्टेट्स ने दारू पे भी बैन लगा के रखा है, उन स्टेट्स को जैसे कि ड्राई स्टेट्स कहा जाता है,
तो अगर आप देखोगे कि उनके जो बाउंड्री से लगे हुए स्टेट्स हैं, उनके अगल बगल वाले जो दारू के भट्टी रहते हैं उनमें लंबी कतारें लगी रहती है लोगों की लाइन की। तो फिर ये एक तरीका से वो ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी चीज को लीगल नहीं किया जाएगा तो लोग उसमें बैकडोर एंट्रियां खोजना शुरू कर देंगे। और क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है तो फिर उनका ये कहना था कि एक डेमोक्रेसी में लोगों के पास चॉइस होना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं अपने टाइम के साथ। क्या वो बेटिंग में लगाना चाहते हैं पैसा, क्या वो अपना पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं, ये उन लोगों के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। पेरी मैच के सीईओ का ये कहना है कि हो सकता है कि गैम्बलिंग से लोगों को एडिक्शन हो जाए, तो इस एडिक्शन से बचाने के लिए हो सकता है कि इस चीज को लीगल ना किया जा रहा हो। तो इसे बचाने के लिए पेरी मैच के सीईओ ने ये कहा कि उनके वेबसाइट में ऐसे एल्गोरिदम काम करते हैं जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा उनका प्लेयर जो है कब एडिक्शन की ओर जा रहा है, कि वो प्लेयर कब समझ जाना चाहिए कि उसे अब और नहीं खेलना चाहिए। ऐसे टाइम पे वो खुद ही ऐसे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें बैन कर देते हैं, मतलब कि उन्हें और बेट प्लेस करने नहीं देते हैं। और उन प्लेयर्स के पास अब बस एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपने जितने भी पैसे हैं उसे विड्रॉ कर ले, क्योंकि अब उन्हें उस प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट करने नहीं दिया जाएगा। पेरी मैच के सीईओ का ये भी कहना है कि इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग को इसलिए लीगलाइज नहीं किया जा रहा है क्योंकि इंडिया में जो फैंटेसी गेम्स हैं जैसे कि ड्रीम इलेवन, इनका बहुत बड़ा लॉबिंग है गवर्नमेंट के साथ इस फैंटेसी गेम्स को लीगलाइज करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन बेटिंग को लीगलाइज नहीं किया जा रहा है। तो फिर फ्यूचर में ये देखने वाली बात होगी कि क्या ऑनलाइन बेटिंग को लीगलाइज किया जाएगा या नहीं, क्या गवर्नमेंट इसमें से रेवेन्यू कमाना चाहेगी या नहीं, क्या लोगों को एडिक्शन से बचाने के लिए गवर्नमेंट का ऐसे लॉज बनाना जरूरी है या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनका हम फ्यूचर में आंसर्स का वेट करेंगे। ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए पांडा जी का उल्टा चश्मा को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।